कैसे हैं आप सब लोग, और रसोई में से आपका वेलकम कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा बनाने जा रही हूँ मैं दलिया, क्योंकि मुझे जाना थोड़ा सा बाजार। हमारे यहाँ रोड पे कहते हैं क्योंकि पास में रोड है ना, इसलिए तो रोड रोड निकल जाते हैं। हम सभी यही कहते हैं कहीं जाना तो रोड पे जाना, रोड का मतलब मार्केट। छोटी सी एक दो दुकान खुली हुई है, तो देखती हूँ क्या लाती हूँ, जो भी लाऊंगी आपको दिखाऊंगी जरूर। फिलहाल मैं झटपट से थोड़ा सा दलिया बनाऊंगी। आलू एक छील लिया है मैंने, मुझे दलिया पसंद है इसलिए मैं बनाती रहती हूँ। और सरसों के तेल में बनाऊंगी क्योंकि ये जल्दी से बन जाएगा। और बादल हो रहे हैं, काले काले नल चल रहा है पीछे। और इसमें डाला है, बच्चे नल चला रहे हैं, यही झट से बन जाएगा दलिया। और मैं टाइम लगेगा फिर वापस आके, सुबह मैंने बोला यही हो जाएगा। फिर और सब्जी वगैरह रखी है, उसके लिए मैं रोटी सेक लूँगी। मेरी रात की सब्जी बहुत सारी रखी है, तो मैं उसे फेंकती, वेस्ट नहीं करती। सभी नहीं करते हैं, सभी हाउस वाइफ ऐसे ही करते, कोई मैं स्पेशल नहीं कर रही हूँ। तो वो रखा, मेरा काम चल जाएगा। और समय पे कुछ ढूंढते हैं वो मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। जीरा मिल गया, रखती इतने सामान के पर पता नहीं क्यों नहीं मिलता। तो चलिए इसे बना लेती हूँ और बच्चों को खिला देती हूँ। कहीं भी जाओ बच्चों को और कुछ ना कुछ खिला के उसके बाद में बाहर जाना चाहिए। बाहर कितने टाइम आए, और बारिश का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और दलिया को सब्जी वगैरह आप लोग कमेंट करोगे, इसमें ये सब्जी डाल लो, वो सब्जी नहीं कुछ नहीं। मैं सादा सिंपल से आलू और नमक मिर्च डाल के सादा सिंपल सा बना रही हूँ, वही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ भी इसमें नहीं बनाऊँगी, मेरा जीरा भून लिया है। और इसमें डाल दूंगी आलू। बहुत तरीके से दलिए बनते हैं, दूध का दलिया लो, मीठा दलिया लो, और दलिए की खिचड़ी लो, बहुत सारा है जो बनाते हैं। तो चलिए इसको मैं बना लूँ फिर आप। देखिए यहाँ पे शौना की सैतानियाँ मयूर जग के ऊपर चढ़ती हैं, मना करो तो मानती नहीं है, एक नई चीज़ रोज़ सीख लेती है। तो बस मेरा दलिया बन गया है, उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, और इतना पानी बहुत होगा इसमें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और इसको बना के बच्चों को फिर खिलाती हूँ। और इसमें थोड़े से चने मैंने भिगोए थे वो डालूंगी, क्योंकि चने से थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, छोटी वाली को ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, और इससे थोड़ा सा अलग सा बन जाता है इसलिए। और फटाफट बनने वाली चीज़ तो यही है। तो मेरा दलिया बन गया है, और देखिए मैं बच्चों को खिला रही हूँ। चोटी वगैरह बना दिए, तो इनको खिलाने के बाद थोड़ी बहुत देर आराम करूँगी, या फिर कुछ लोगों की वीडियो वगैरह देखूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। और इनका भी इंतज़ार करती हूँ, इनका इंतज़ार तो रोज़ ही करते हैं आने का। तब वो शौना को अभी कपड़े नहीं पहनाए, क्योंकि थोड़ा सा उसको नहीं ला के लाई थी, उसको लेट नहीं लाती हूँ, और हम लोग नहा लेते क्योंकि मौसम कभी ठंडा कभी गर्म होता है ना, तो इस वजह से तब भी उनको जुकाम हो गया है। बहुत जल्दी मौसम बदलता है, पता नहीं क्या, मुझे बच्चों को सबको ही पता नहीं क्यों हो जाता है, जुकाम हो जाए ना तो बड़ा वैसा लगता है, सर दर्द वगैरह होता रहता है। तो बस गर्म है दलिया, अभी ठंडा होते होते इनको खिला दूँगी। पर देखिए वो कहाँ रुकती हैं, वो तो उनको पहले खाना है, गर्म हो चाहे कैसा भी हो। ऐसे करते करते मैं खिला देती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, तो खेलती रहती है, फिर मुझे परेशान भी नहीं करती है इस वजह से। और बंशिका के साथ में देखा दूनी खा लेना बच्चा तो अच्छा लगता है। तो इनको खिलाने के बाद में फिर मैं रोटियां सेक के इनके लिए रख दूंगी। और मेरी मैंने बताया ही सब्जी है, मैंने आटा गूंद दिया है और उसको टिफ़िन में पैक करके रख दिया है, वैसे ही ये आएंगे जब भी मैं इनको रोटी सेक दूंगी या परांठे सेक दूंगी, जो भी बोलेंगे वो कर दूंगी। और मुझे जल्दी से फिर तैयार होकर जाना है, क्योंकि बारिश का मौसम है, कब क्या हो जाए पता ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों को ले कर जाऊँ फिर भीग जाऊँ, ये भी ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से। तो चलिए मेरा खाना खा लेती हूँ। और ये देखिए क्लेचर मैंने कहाँ पे लगा लिया है, क्योंकि क्लेचर रखे मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी से। और यहाँ पे देखिए
मैं भी अजीब अजीब हरकतें करती हूँ। तो चलिए जूड़ा बना लेती हूँ और चलते हैं आपको लेके मार्केट में। जैसा भी होगा आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी और कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। मेरा जूड़ा बन गया है और तैयार हूँ मास्क लगा के, और शौना भी देखना कैसे मास्क लगा के सबसे पहले तैयार हो जाती है। ये देखिए, कोई भी दुकान जाए या कहीं जाए ये सबसे पहले तैयार होती है और फॉलो करती है सब कुछ। देखो मैंने मास्क हटा दिया ना, तो बोल रही है मम्मी क्यों हटा दिया, मत हटाओ ना। देखो खुद से लगा लिए ना, मास्क को बिल्कुल भी नहीं हटाती है। देखिए बहुत समझदारी दिखाती है अब आपकी शौना तो। और कुछ भी हो जाए मास्क और रूमाल अपने पास से हटने नहीं देती हैं। तो चलिए यहाँ पे ये लोग ना खाट बिछा के रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती है ना, इस वजह से यहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं, मैं भी बैठी रहती हूँ। से यहाँ पे हर बहुत जब लाइट चल जाए ना यहाँ बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ पे। और ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, रोड पर ही खड़ी कर देते हैं गाड़ी को क्योंकि और कहीं जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की इस वजह से। तो देखिए शौना को थोड़ी देर पैदल चलाया है मैंने थोड़ी देर, और थोड़ी देर वंशिका ने। देखिए बादल काले हो गए एकदम से, अब इनको गोदी लूँगी, ऐसा नहीं है पैदल चलाऊँगी। ये गोदी अभी शौक शौक में चल रही है, कोई नहीं गोदी चलने का वो नहीं है। और मैं बादल बार बार आपको दिखा रही हूँ क्योंकि कब बारिश हो जाए कोई पता नहीं है। देखिए कैसे चल रही हैं। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, एक दो जन्माष्टमी की वजह से दुकान लगी हुई है। और देखिए बाल गोपाल के कितने अच्छे अच्छे से कपड़े मिल रहे, बहुत अच्छे। तो ये देखिए मैंने बोला था ना दुकान लगी है, कोई बाज़ार वगैरह नहीं लगा है। देखिए मैंने मोर का पंख लिया है, एक आपको दिखा रही हूँ मैं, एक ही लिया है अच्छा रहता है। सब ले रहे थे, मैंने बोला मैं भी एक ले लेती हूँ। और सभी मास्क लगा रखे हैं देख सकते हैं, और सभी इतना तो वो नहीं है पर सब मास्क लगा रखे हैं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए जाते आते आ रहे हैं। और एक दो दुकान लगी थी, ज़्यादा कोई दुकान वगैरह नहीं लगी थी, यही थी एक, ये थी एक और दुकान थी बस। और जो कपड़े की दुकान थी वो भी एक ही दो, क्योंकि ये बाज़ार नहीं है, यहाँ पे एक दो दुकान लगती। मैंने बताया ना अभी यहाँ पे कोई बाज़ार वगैरह नहीं लग रहे हैं, तो यही है दुकान छोटे मोटे। देखते हैं कौन से कपड़े पसंद आते हैं, फिर आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। तो मिलते हैं घर पे। बाज़ार गई थी, वहाँ से क्या क्या लेके आई मैं दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई, वो जो लेके आई वो दिखा देती हूँ। छोटी सी बच्चों के लिए शॉपिंग थी, एक चीज़ लेके आई हूँ वो बताऊंगी टाइम आए, वो बहुत आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं उसके लिए वो दिखाऊंगी बाद में। पहले दिखाती क्या लेके आऊँ, एक छोटा सा क्लेचर लेके आई हूँ। मेरा यही क्लेचर आप लोग देखते हो हर वीडियो में, यही वाला देखते हो, तो ये न्यू सा क्लेचर है मेरा। और ये कपड़े मैं क्यों लेके आई आप लोगों को शायद पता है, और नहीं पता है तो कल पता चल जाएगा आप लोगों को। चलिए ज़्यादा कुछ खास नहीं लिया है मैंने, पहले ही बता देती हूँ आपको। ये वंशिका के लिए लेके आई हूँ, ये बड़ी वाली बेटी की वंशिका के लिए है, और कल के ब्लॉग में उसे पहनाऊंगी, आप लोग देखिएगा जरूर। और आप लोग इसके पैसे पूछोगे तो ये 550 का दिया मुझे, अच्छा अच्छा है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ ये लेके आई, क्योंकि जब मैं सूट लेके आई थी तो बहुत सारे कमेंट आए थे आपने पैसे नहीं बताए उसके, तो पैसे भी बताया करिए। तो ये मेरा 550 का पड़ा था, और उसके साथ ये नेकर है, ठीक है। ये बड़ी वाली बेटी का ये सेट है, अच्छे से दिख रहा हो बता नहीं दिख रहा है। और एक ये मेरा ब्लॉग जन्माष्टमी को जाएगा, तो एक बाल गोपाल की एक पंख लेके आई जो कि मैंने आपको दिखाया ही है। ये शौना के लिए ये छोटी वाली, तो कैसे लगे बताइए। और ये 350 350 के ये मुझे पड़े। तो यही बस दो जोड़ी कपड़े लेके आई हूँ, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं और एक मेन चीज़ और आ रही है,
वो आपको शायद पता है, नहीं पता है तो कल पता चल जाएगा आप लोगों को। बच्चों को इस दिन का बहुत इंतज़ार रहता है। तो खाना ना खा लिया है हम लोगों ने और मैंने बना भी लिया और 9:30 का टाइम हो रहा है। मैंने बोला जल्दी से आप लोगों को दिखा दूँ, फिर नहीं रहता, फिर आप लोग बोलते दिखाया तो था नहीं। तो यही था छोटी मोटी सी जो भी ख़रीदा है वो यही था। कभी ज़्यादा शॉपिंग करूँगी, किचन वगैरह ही खरीदूँगी तो आप लोग को ज़रूर शेयर करूँ। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, यही छोटा मोटा सा है। और चलिए वीडियो पे दीजिए इजाज़त, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ने में हम लोगों को भी मदद कीजिए आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो बस सोना को दूध पिला के उसको सुला दूँगी, और खाट मैंने बिछा दी है इनके लिए, ये गए हैं छत पे, तब तक मैंने बोला वीडियो बना लेती हूँ अपना ख़त्म कर देती हूँ, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा इसलिए। और बहुत थक गई हूँ, थकान हो गई, क्योंकि छोटी वाली को गोद में लेके जाना पड़े, गोद में लेके जाओ। वंशिका भी गई थी और उसको नहीं लेके जाती तो छोटे बड़े का पता नहीं चलता, क्योंकि एक दो बार मेरे छोटे कपड़े आ गए हैं तो इस वजह से मैं उसको साथ में लेके गई थी। तो सारे जवाब मैंने दिए हूँ आशा करती। तो बाय बाय, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक